मेहमान खुसूसी मोहम्मद उस्मान और अब्दुल्ला उस्मान ग्राउंड पहुंच चुके हैं। पकौड़े चाचा कैसे, ठीक है के? बहुत ही मजेदार पकौड़े हैं। साबिक एमएनए चौधरी शफाक भी मैच के आखिरी हिस्से में मैच देखने ग्राउंड पहुंच गए। जी इंशाल्लाह हर साल उसी के नाम के ना अपने भाई इमरान शहीद के नाम से हमने ये लगातार तीसरा फाइनल खेला है। अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बा हिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन सब मैं मौजूद हूँ इमरान शहीद की कब्र पर और यहाँ पे फातिहा मैंने की और इनके नाम से जो है एक यादगार टूर्नामेंट 394 जिम्पे जाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो है मुनक्किद किया जा रहा है, बल्कि शुरू हो चुका हुआ है और आज इसका जो है सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। और आप सबसे दरख्वास्त है कि मरहूम के लिए जो है दुआ कीजिए। और आपको बताते चलूँ कि ये यानी कि पिछले ईद छोटी ईद पर जो है छुट्टी पर अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में एक रोड एक्सीडेंट में जो है शहीद हो गए थे। ये अल्लाह ताला इनके दर्जात जो है बुलंद करे। तो आइए नाज़रीन चलते हैं, देखते हैं टूर्नामेंट, मेरे साथ रहिएगा। भूख लगी हुई है, कुछ खा पी लें ज़रा। जलेबियाँ बन रही हैं माशाल्लाह जी, पकौड़े बन रहे हैं ज़बरदस्त पकौड़े जी। पकौड़े चाचा कैसे, ठीक है के? खाऊंगे तो पता लगना जी। अच्छा, दो में ज़रा 50 रुपये दो चेक करा जरा। दूध पत्ती, दूध पत्ती ओरिजिनल है, ओरिजिनल दूध पत्ती ओरिजिनल। हाँ ये जी कह रहे हैं दूध पत्ती चाहे ओरिजिनल चाहे। अब मसाला माड़ा है पाई और बेहतरीन जी, मसाला डाल दिया है, तैयार हो गए पकौड़े का, चेक करते हैं अभी। बहुत ही मज़ेदार पकौड़े हैं। मज़ेदार मेहमान खुसूसी मोहम्मद उस्मान और अब्दुल्ला उस्मान ग्राउंड पहुंच चुके हैं। इनका शानदार इस्तकबाल किया गया और फाइनल में पहुंचने वाली टीमें 349 और 304 से मेहमान खुसूसी का तारुफ करवाया गया। इमरान शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल का आगाज हो चुका है। टीम 304 और 349 के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा, दोनों टीमें मेहनत और जज्बे के साथ खेली मगर कोई भी टीम गोल ना कर सकी। साबिक एमएनए चौधरी शफाक भी मैच के आखिरी हिस्से में मैच देखने ग्राउंड पहुंच गए। पेनल्टी किक्स का फैसला हुआ। पेनल्टी किक्स का फैसला हुआ और 304 टीम ने पेनल्टी किक्स में 349 को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रनर अप टीम को 30,000 कैश और ट्रॉफी जबकि जीतने वाली टीम 304 को 40,000 कैश और ट्रॉफी दी गई। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इमरान शहीद के जो छोटे भाई हैं उस्मान साहब, इन्होंने पूरा प्रोग्राम जो अरेंज करवाया है और चीफ ऑर्गेनाइजर थे इस टूर्नामेंट के। ये आप हर साल बनाया करेंगे इस टूर्नामेंट को? जी जी इंशाल्लाह हर साल उसी के नाम के ना अपने भाई इमरान शहीद के नाम से। इमरान शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट जो है शाम को पहुँचा, 304 गावे जो है इन्होंने विनर की पोजीशन हासिल की है और उनके कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा लगा और किस तरह अभी महसूस कर रहे हैं जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा टूर्नामेंट, सबसे बेस्ट हमारे प्लेयर हैं, जनफर हैं माशाल्लाह। अच्छा।
जुहेब हैं, जुहेब गोलकीपर माशाल्लाह, और अबू बकर हैं, जानी हैं, ठीक है, हबीब शाकर, हबीब शाकर हैं, और लुकमान, ठीक, और अतीक, तंजील। तो कैसा रहा मुकाबला, कैसा रहा मुकाबला? हमने बहुत अच्छा खेला, बहुत जबरदस्त मुकाबले हुए हमारे, सबसे ज्यादा मैच हमने इंशाल्लाह विन किए पलटी किक्स पर, और बहुत अच्छे फाइटर टीम है हमारी। तो आपको उम्मीद थी कि हमने ये लगातार तीसरा फाइनल खेला है? अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आपको उम्मीद थी कि आप लोग फाइनल तक पहुंच जाएंगे? हां जी, इंशाल्लाह। वैसे मेहनत तो माशाल्लाह आपने काफी की है, बहुत मेहनत थी। हां जी, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिमत पर सब्सक्राइब कर दें और बेल का जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज। Thank you.